मार का कोई समस्या नहीं, हमारी गली बननी चाहिए, बस यही समस्या हमारी। गली और हाँ। ये नाली का क्या आप कहते हो? नहीं, नाली भी बंद होनी चाहिए। नाली बंद हो? हाँ जी बिल्कुल। कीर्ति नगर में सब जगह गलियों की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सीवरेज अगर डल गए तो ऊपर से गली नहीं बनी। सीवरेज पड़ली गली की है, बस मेरी गली का। अच्छा, चेक करके गए थे। आम आदमी पार्टी की ओर से थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन पद के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल ने कीर्ति नगर का दौरा किया और वहां रह रहे लोगों की समस्याओं को सुना। कीर्ति नगर के निवासियों ने उन्हें वहां के बदहाल सड़कों और सफाई व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। डॉक्टर मोनिका ने कहा कि अभी भी आज़ाद भारत के लोग 75 वर्षों के बाद अपने अधिकारों से वंचित हैं। कीर्ति नगर में रह रहे लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं हर हालात में मिलनी चाहिए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनके हकों के लिए प्रशासन और सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाकर उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों और योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हर देशवासी को शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाने हेतु प्रयास कर रही है और दिल्ली और पंजाब में तो यह प्रयास फलीभूत भी हुए हैं। ऐसे में अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा की जनता भी अब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले कुरुक्षेत्र की जनता थानेसर नगर परिषद में परिवर्तन लाकर शहर की दशा और दिशा बदलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेशवासियों को उनकी मूलभूत जरूरतें प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएंगी। 5 साल हो गए बताओ, यहाँ पानी भर जाता है, गन्ने की रेड़ी काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, गन्ने भी सूखने लग रहा है। कौन सा एरिया है? ये एरिया का नाम बताओ और अपना नाम बताओ। कीर्ति नगर है बाबूजी, मतलब गली नंबर 8 है। आपका क्या नाम है? प्रेम। क्या क्या समस्याएं सारी बताओ आप। समस्या ये है गली नहीं बन रही है, काफी दिन से बंद पड़ी। काफी टाइम हो गया, कम से कम 5 साल हो गए, बन नहीं रही है, बता सकते।